वेलकम टू इंडिया फर्स्ट न्यूज, मैं हूं अभिनय सोनी। तो सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। इंजीनियरिंग के नाम पर मेडिकल बुक्स की खरीदी का मामला आया सामने। आरजीपीवी की कार्यस्थानी पर मंत्री ने कहा, दोषियों पर जल्द होगी कार्रवाई और जांच करने के बाद अगर उसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रमन सरकार का लोक लुभावन बजट हुआ पेश। महिलाओं के साथ साथ हेल्थ सेक्टर में भी कई सौगातें। हालांकि विपक्ष ने कहा, कुछ खास नहीं रमन के बजट में। पुलिस को आधुनिक बनाने के साथ अब सुविधाओं का भी किया जा रहा है विस्तार। पुलिस कर्मियों को गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह की सौगात, मिलेंगे अब नए आवास। हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के जो पुलिस कर्मी है उनको निवास के लिए, आवास के लिए 25,000 नए आवास सरकार बना के दे रही है, जिससे कि जो उनके आवास की समस्या है वो समस्या समाप्त हो। विज्ञान के विस्तार से ही होगा विकास। भोपाल में विज्ञान मेले की हुई शुरुआत। मंत्री पारस जैन और दीपक जोशी ने इंडिया फर्स्ट के साथ लिया एग्जीबिशन का जायका। अभी आपने देखा होगा कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम भी हुआ है 104 उसका। मैं समझता हूँ ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नारे की सार्थकता बढ़ाने के लिए विज्ञान भारती द्वारा आयोजित मेला हमारे भोपाल के युवाओं को, आसपास के युवाओं को एक नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत गंज बासोदा में शादी के सूत्र में बंधे कई जोड़े। मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा ने किया कन्यादान, बांटे ढेर उपहार। मध्य प्रदेश के एजुकेशन डिपार्टमेंट में गड़बड़ी का एक और कारनामा सामने आया। तकनीकी शिक्षा की जगह राजीव गांधी प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी मेडिकल की किताबों की खरीदी करने जा रही थी। मामला सामने आने के बाद मंत्री दीपक जोशी ने जांच के आदेश दे दिए। इंडिया फर्स्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत में मंत्री ने दोषियों पर कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया। मध्य प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री दीपक जोशी जी हमारे साथ मौजूद है। जोशी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी एक नया मामला सामने आया कि तकनीकी शिक्षा के लिए मेडिकल की किताबें खरीदी की जा रही हैं, क्या मामला है? नहीं, अभी आज प्रेस के माध्यम से मुझे पता चला है कि इस प्रकार की बातें हुई है। मैं प्रारंभिक रूप से विभाग को निर्देशित करूँगा कि वो जानकारी एकत्रित करें, क्योंकि विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस बॉडी होता है, इसलिए हम अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से इस संपूर्ण घटनाक्रम को देखेंगे और जांच करने के बाद अगर उसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, 2005 वर्जन की किताबें खरीदे जाने के बाद देखिए, अभी प्रारंभिक दृष्टि से हमारे सामने बात आई है, क्योंकि जांच नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, सामने वाले को सुने बिना कोई निर्णय नहीं कह सकता और वो ऑटोनॉमस है वैसे विश्वविद्यालय, तो कैसे हम रजिस्ट्रार के माध्यम से इसको संज्ञान में लेकर विधि संगत कार्रवाई कर सकते हैं उसको हम करेंगे। तो तकनीकी शिक्षा मंत्री दीपक जोशी ने कहा है कि न्याय संगत होगा कि पहले जांच की जाए फिर कार्रवाई की जाए, तो निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि अब जांच कब होती है और कार्रवाई कब की जाती है। कैमरामैन अनवर खान के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ की रमन सरकार का सोमवार को बजट पेश हुआ। बजट में महिलाओं को कई तरह की सौगातों की घोषणा की गई। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में भी रमन सरकार ने बजट का पिटारा खोल दिया। आने वाले चुनाव में विपक्ष महिलाओं की सुरक्षा के साथ बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बना सकता है। ऐसे में रमन सरकार का बजट विपक्ष के इसी चक्रव्यूह को तोड़ने की कवायद का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के बजट में होम डिपार्टमेंट को मिले भारी भरकम बजट से उत्साहित गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह पुलिस विभाग के मेकओवर में जुट गए हैं। पुलिस को मॉडर्न कराने के साथ साथ अब भूपेंद्र सिंह पुलिस वालों को बेहतर आवास भी मुहैया कराने में जुट गए हैं। जाहिर है, अगर पुलिस वाला खुश तो जनता भी खुश। देखिए होम मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह से इंडिया फर्स्ट की खास बातचीत।
मध्य प्रदेश के गृह एवं परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक गृह विभाग एक नया तोहफा देने जा रहा है पुलिस कर्मियों को, आशियाना देने जा रहा है, उस मुद्दे पर हमारे साथ बात करेंगे गृह मंत्री जी। देखिए, हमारे राज्य में हमारे जो पुलिस कर्मी हैं, जो हमारे राज्य की सुरक्षा में रात दिन लगे रहते हैं, उनको जो बेसिक सुविधाएं हैं वो मिलें, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा सजग रहते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के जो पुलिस कर्मी हैं, उनको निवास के लिए, आवास के लिए 25,000 नए आवास सरकार बना के दे रही है, जिससे कि जो उनके आवास की समस्या है वो समस्या समाप्त हो जाए। सर, परिवहन विभाग में भी एक जैसे PUC को लिंक किया गया, डायरेक्ट वेबसाइट से किया गया, तो ये एक जो पारदर्शिता है वो किस हद तक ले जाने की कोशिश है आपकी परिवहन विभाग की? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारा परिवहन विभाग का सारा काम जो है वो कंप्यूटराइज हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, और अब किसी को भी, हमारी कोशिश है कि RTO ऑफिस ना जाना पड़े, सारे जो भी उनके कार्य हैं वो ऑनलाइन हो सकें, कंप्यूटराइज हो सकें और व्यवस्था पारदर्शी हो। तो निश्चित तौर पर गृह एवं परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि पारदर्शी व्यवस्था बनाने से लोगों की परेशानियाँ कम होंगी और वो घर बैठे अपने काम को अंजाम दे पाएंगे। कैमरामैन अनवर खान के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान स्थापित करने के बाद भारत में बच्चों का साइंस के प्रति एक बार फिर रुझान बढ़ा है। भोपाल में शुरू हुए विज्ञान मेले में इसकी झलक साफ देखी जा सकती है। इंडिया फर्स्ट के साथ एक एग्जीबिशन का मुआयना किया ऊर्जा मंत्री पारस जैन और टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर दीपक जोशी ने, तो आप भी देखिए इस शानदार एग्जीबिशन को। मौजूद है भोपाल में विज्ञान मेला चल रहा है और दो मंत्री यहाँ पर मौजूद है, पारस जैन जी और दीपक जोशी जी। पारस जी से सबसे पहले जानना चाहेंगे, सर आपने पूरी विज्ञान प्रदर्शनी देखी, सबसे खास आपको क्या लगा? अभी तो मैं देख ही रहा हूँ और वास्तविक में जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मंशा है और देश के प्रधानमंत्री की मंशा है तो विज्ञान को आगे बढ़ाने का, और वैज्ञानिक लोग इसमें लगे हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम भी हुआ है 104 उसका, मैं समझता हूँ ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी, यदि आपको ध्यान हो तो, एक वैज्ञानिक को देश की सुपुर्द करा था। यह परंपरा चली आ रही है, मैं समझता हूँ कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ के भी आते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ भी इस प्रकार के छोटे छोटे प्रोजेक्ट अपने दिखाते हैं, जिसके बाद बन के बड़े बड़े लाते हैं, उसका लाभ मिलता है। मैं समझता हूँ इस प्रकार के विज्ञान मेले की हमेशा आवश्यकता है और हर साल होते रहना चाहिए, छठा वर्ष है शायद, मुझे लगता है सतत हम भी प्रयत्न करते हैं, हर विभाग के लोग इसमें लगाते हैं। सर, आपके विभाग की भी प्रदर्शनी आपने देखी है, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की, किस तरह का नवाचार आपको देखने को मिला और कितना मतलब ऊर्जा से आप खुद? बहुत ही अच्छा है, आपने देखा होगा कि पहले किसी टाइम पर 4,000 मेगावाट बिजली पैदा होती थी, आज हमारे पास 17,500 मेगावाट पैदा हो रही है। आज मध्य प्रदेश जो है एक्सेस है और खपत भी जो है सिर्फ 11,500 मेगावाट की है, तो ये विज्ञानों के कारण पे हुआ है। धन्यवाद जी, हमारे साथ मौजूद हैं दीपक जी। स्किल डेवलपमेंट को लेकर आप कई बड़े काम कर रहे हैं, बच्चों के अंदर नई नई जो स्किल्स हैं यहाँ पर डेवलप होती दिखाई दे रही, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी के नारे को सार्थकता के साथ जोड़ते हुए मैं इस मेले में देख रहा हूँ कि बड़े संख्या में हमारे स्कूल के बच्चे और कॉलेजों के बच्चे मॉडल्स को देखने आए और मॉडल से उनको कहीं ना कहीं प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन आज भारत में कितनी तेज गति से प्रगति की है वो भी देखने को मिलता है, खास करके पावर के सेक्टर में जो उन्होंने यहाँ पर स्टॉल्स लगाए वो देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की नारे की सार्थकता बढ़ाने के लिए विज्ञान भारती द्वारा आयोजित ये मेला हमारे भोपाल के युवाओं को, आसपास के युवाओं को एक नई दिशा देगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री भी हैं आप सर, यहाँ पर तकनीक का काफ़ी बेहतर इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ नया विज़न यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है? कहा ना, बच्चों को सीखने का मौका मिलता है, बच्चों को कहने का उत्साह देखने को मिलता है, तो उत्साह देखने वाला हम कह सकते हैं कि वाकई में इस विज्ञान मेले की सार्थकता इन युवाओं को प्रेरणा के स्वरूप में कहीं कहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जोशी जी। तो कहीं ना कहीं दोनों मंत्रियों को साफ तौर पर कहना है कि विज्ञान की जो जितना ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर होगा उसी प्रकार से बच्चों के अंदर भी उतना विज़न भी डेवलप होगा और कहीं ना कहीं जो प्रदर्शनी है वो अब इसके एक सार्थक परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन अनवर खान के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
सीएम शिवराज सिंह चौहान की सबसे सफल योजनाओं में से एक है। विदिशा के गंज बासोदा में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा भी शामिल हुए। मंत्री मीणा ने इस दौरान वर वधु को आशीर्वाद के साथ सरकार की तरफ से कई उपहार भी दिए। देखिए शादी की एक खास तस्वीरें। कैलाश दांगी जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और जनपद के उपाध्यक्ष महोदय श्री अशोक जी शर्मा का स्वागत करें। नमन कर रहा हूँ मोहन जी भावसार को, वे भी आए और स्वागत करें। मैं श्रीमती रीता भावसार जी वरिष्ठ भाजपा नेत्री का मत करता हूँ, वे आए और स्वागत करें। श्री अखिलेश गांधी वे भी पधारे और स्वागत करें। जनपद सदस्य वीर सिंह जी जाटव से भी अनुरोध करूंगा, वे भी पधारे और स्वागत करें। संदीप ठाकुर जी से अनुरोध करूंगा, वे भी पधारे और स्वागत करें। योगेंद्र समैया जी वे भी पधारे और स्वागत करें। पार्षद योगेंद्र समैया जी से भी अनुरोध करूंगा, वे भी पधारे और स्वागत करें। खाद्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत रोटावेटर प्रदान किए जा रहे हैं, हितग्राही कृषि विभाग के हैं। मैं बीरेन सिंह जी सन ऑफ श्री कमल सिंह जी महागौर का अनुरोध करता हूँ, वे आए और सम्मानी मंच से प्राप्त करें। दूसरा नाम है स्थायी पद प्रदाय के लिए खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत ही रवि सिंह जी पुत्र कमल सिंह पचमा से पधारे। अच्छा था दमदार खबरों का बिग बुलेटिन। जबरदस्त खबरों के लिए बने रहिए या पर नमस्कार।